क्यों मिलने गई थी फहद से? मिलने की वजह बताओ मुझे। जवाब दो, कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। सुनना चाहते हैं ना तो सुने। मैं वहां आपकी बहन मारिया का घर बचाने गई और आप उल्टा मुझ पे ही शक कर रहे हैं। मारिया को बिला वजह मत घसीटो इस सब में, उसका कोई लेना देना नहीं। साफ साफ बताओ मुझे तुम क्यों मिलने गई थी उससे। साफ साफ सुनना चाहते हैं तो जाके मारिया से ही पूछे ना। फहद उसको काफी अरसे से ब्लैकमेल कर रहा है। क्या ब्लैकमेल कर रहा है? हाँ, उसने बेचारी मारिया को डरा धमका के खुद से मिलने के लिए बुलाया और फिर उसकी वीडियो बना दी। अब वो उसे मुसलसल ब्लैकमेल कर रहा है, कह रहा है कि मुझसे मिलती रहो वरना वो हर्षित भाई को वो वीडियो दिखा देगा। मुझे क्यों नहीं बताया ये सब? मैं अपने तरीके से निपटता उससे। क्योंकि खाला अम्मी ने सख्ती से आपको बताने से मना किया था। एक मिनट, अम्मी को इस सब के बारे में पता था? सबसे पहले मारिया ने उन्हें ही बताया था। ना नीच और कमजोर निकला ये फहद। खानदान वालों का भी लिहाज नहीं किया इसने। रेहान, I'm sorry, मैं आपको बगैर बताए उससे मिलने चली गई मारिया का घर बचाने के लिए। मुझे उसकी नहीं सुननी चाहिए थी, मुझे आपको बताना चाहिए था। I'm so sorry। नहीं अरे बात, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम तो हरिया की भलाई के लिए सब कुछ कर रही थी ना। सोच मुझे इस बात का है कि अम्मी और मारिया ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मुझे पराया समझा उन्होंने। नहीं नहीं रेहान, उन बेचारों का कोई कसूर नहीं है। उन्हें लगा कि आप ये सब सुन के गुस्से में कोई इंतहाई कदम उठा लेंगे और फिर मारिया का घर खराब हो जाएगा। उन्होंने जो किया अच्छा नहीं किया।